प्रेगनेंसी में पुशअप्स की एक्सरसाइज करना है सही, जानिए कैसे। एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज करना एक कॉमन है और इसके कई टाइप हैं जिन्हें लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज करते हैं। इन्हीं में से एक है पुशअप्स, जिसे अमूमन हर कोई आसानी से कर सकता है। पुशअप्स से बॉडी के ऊपरी हिस्से को फिट रखने में मदद मिलती है। वैसे इससे जुड़ा एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या एक प्रेग्नेंट लेडी इसे कर सकती है, प्रेगनेंसी में एक्टिव रहने के लिए पुशअप्स करना ठीक होता है या नहीं। साथ ही इसके कौन से सब्स्टिट्यूट को गर्भवती रूटीन का हिस्सा बना सकती है, क्या प्रेगनेंसी में पुशअप्स किए जा सकते हैं। महिलाओं को लेकर अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो प्रेगनेंसी में पुशअप्स को कर सकती हैं या नहीं। एक्सपर्ट की माने तो अगर सही तरीके से एक्सरसाइज को किया जाए तो इसे प्रेगनेंसी में भी करने में कोई हर्ज नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी कई एक्सरसाइज को कर सकती है, बस उन्हें इनका सेफ मेथड पता होना चाहिए। फिट रहने के इन तरीकों को अपनाकर प्रेगनेंसी में वजन को बढ़ने से भी रोका जा सकता है। पुशअप्स के इस सब्स्टिट्यूट को करें ट्राई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी में जमीन पर लेटकर पुशअप्स करना सेफ नहीं लगता है, ऐसे में उन्हें दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी वॉल पुशअप्स को कर सकती हैं, इसके लिए बस दीवारों के कॉर्नर की मदद लेनी है। इस दौरान हाथों को दोनों दीवारों पर लगाएं और धीरे धीरे वॉल पुशअप्स को करें। वॉल पुशअप्स के फायदे, एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रेगनेंसी में अगर वॉल पुशअप्स का रूटीन फॉलो किया जाता है तो इससे हाथों के जोड़ों में होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने से स्ट्रेच की दिक्कत भी कम या दूर किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी बॉडी एक्टिव रहती है तो शरीर में फ्रेशनेस भी बनी रहती है। दिस स्टनिंग नेकलेस सेलिब्रेट्स द ब्यूटीफुल नुएंसेस ऑफ द हेरिटेज पिछवाई पेंटिंग्स। लोटस बीइंग वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मोटिफ इन पिछवाई has been splendidly rendered in the central tukdis in its full glory. The combination of blue and pink lotuses seen in Pichwai paintings has been beautifully captured through chatai and painting enamel in the center pendant that sits on equally stunning gold belt that sparkles as the wearer turns and the angle of the light changes.